अस्सलामु अलैकुम तुलबा, लेक्चर नंबर 8 तक हम लोग प्रेजेंट इनडेफिनिट को मुकम्मल कर चुके हैं। आज लेक्चर नंबर 9 के अंदर हम लोग देखेंगे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव को। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव सिंपल, तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव होता क्या है तुलबा? देखें, प्रेजेंट जो हाल है, जो चल रहा है, जो इस वक्त गुजर रहा है, दैट इज़ प्रेजेंट। प्रोग्रेसिव किसी भी कोई भी ऐसा जुमला जिसमें रहा, रही, रहे आ जाए उसे हम प्रोग्रेसिव कहेंगे। सिंपल, कोई भी जुमला जिसमें रहा, रही, रहे आ रहा है आप उसको प्रोग्रेसिव जुमला कहेंगे। आप कहेंगे कि ये जी प्रोग्रेसिव है, इसके अंदर हम लोग प्रोग्रेसिव को सीखेंगे। तो आज हम लोग देख रहे हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव सिंपल। तो देखिए, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव सिंपल मैंने आपको बताया कि प्रोग्रेसिव की निशानी है रहा, रही, रहे। ये आपको दिखाया जा रहा है रहा, रही और रहे। यहाँ पर प्रेजेंट की निशानी नहीं लिखी गई, प्रेजेंट की निशानी होती है और हूँ। अगर आपको कहा जा रहा है रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, ये आ रहा है जुमले के आखिर में, तो इसका मतलब ये है कि ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है और सिंपल है, यानी पॉजिटिव है। तो इसके अंदर देखें कि स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या है। सबसे पहले आ गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आप सब लोग जानते हैं सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट होता है काम करने वाला। सब्जेक्ट हम कहते हैं काम करने वाले को। अब कोई भी जुमले में जो काम करने वाला है वो सब्जेक्ट है। उसके बाद आपके पास आ जाएगा इज, एम, आर, फिर आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी वर्ब हम कहते हैं काम को या हरकत को, और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा जिस चीज पर काम किया जा रहा हो। इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब है। और हमेशा जो सिंपल आपका फॉर्मूला होता है वो यही होता है कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब हेल्पिंग वर्ब आपका और जो आपका वर्ब है वो चेंज हो सकता है वर्ब की फॉर्म, लेकिन आपका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो बुनियादी आपका फॉर्मूला है, वो हमेशा क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर आपका वर्ब आएगा और फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो यही आपका हमेशा जो आपका जो वर्किंग फॉर्मूला है वो यही होता है कि सबसे पहले काम करने वाला, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर उसका वर्ब और फिर उसका काम। हेल्पिंग वर्ब जो भी है उससे अलग और जो वर्ब की फॉर्म है उससे हट के आप इसके अंदर यही फॉर्मूला हमेशा यूज कर सकते हैं। आगे देखते हैं, इज इस्तेमाल किसके साथ होता है। इज इस्तेमाल होता है ही, शी, इट और सिंगुलर नेम के साथ। एम इस्तेमाल होता है आई के साथ। और आर इस्तेमाल होता है वी, यू, दे और प्लूरल नेम्स के साथ। ठीक है, तो इसको आप लोग याद कीजिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर, कि ये कौन सा जो हेल्पिंग वर्ब है वो कौन से आपके जो है वो नाउन या प्रोनाउन के साथ इस्तेमाल होता है। सिंगुलर नेम और प्लूरल नेम हम पहले भी देख चुके हैं। सिंगुलर नेम हम कहते हैं जब किसी एक शख्स का या किसी एक चीज़ का नाम लिया जाता है, और प्लूरल नेम अगर एक से ज़्यादा चीज़ों के नाम लिए जाते हैं। मिसाल के तौर पर टेबल एक सिंगुलर है, और अगर टेबल्स कहते हैं तो प्लूरल है। इसी तरह अली सिंगुलर है, अली एंड उस्मान वो प्लूरल है। अब देखें एग्जांपल्स दी गई हैं। आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ। आपने इस जुमले को अगर आप आसानी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे कर लें, मैं हूँ जा रहा स्कूल, मैं हूँ, आई एम, मैं हूँ गोइंग जा रहा टू स्कूल, स्कूल को, मैं स्कूल को जा रहा हूँ। ही इज़ गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहा है। तो आप कहेंगे वो है जा रहा स्कूल, वो है जा रहा स्कूल, ही इज़ गोइंग टू स्कूल। अब देखें, यहाँ पर आपने 10 सेंटेंसेस बनाने हैं। प्रैक्टिस में आपने 10 सेंटेंसेस बनाने हैं, और प्रैक्टिस में जो टेंसेज आप बनाएंगे उनमें आप इन टेंसेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये होगा कि आप पहले उन सेंटेंसेस को उर्दू में बनाएं और फिर इंग्लिश में बनाएं। देखें यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, शी ऑफरिंग प्रेयर। यहाँ पर आपने हेल्पिंग वर्ब का टेस्ट देना है कि यहाँ क्या लगेगा, इज एम आर लगेगा, इज एम आर में से क्या लगेगा, आई डैश मेकिंग जूस, दे आर डैश मैच। तो यहाँ पर आपका जो है वो प्ले लगना है, या प्लेड, प्लेड या प्लेइंग, कौन सी फॉर्म लगेगी। इस तरह आपने इस सारे टेस्ट को हल करना है और देखना है कि इसको किस तरीके से आपने जो है वो हल करके दिखाना है। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पर आपके पास जो है वो नेक्स्ट पेज पर आ रहा है प्रैक्टिस 10 जुमले बनाए उर्दू में भी और इंग्लिश में भी। ये जुमले आप अपनी कॉपी पर बनाकर कमेंट सेक्शन में अपलोड कर सकते हैं। मैं ज़रूर चेक करूँगा, आप ज़रूर इसको कमेंट सेक्शन में अपलोड करें। 10 जुमले बनाए उर्दू में भी और इंग्लिश में भी। जैसे मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ,
मैं जो है वो काम कर रहा हूँ, मैं गाना सुन रहा हूँ, मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ, मैं नात पढ़ रहा हूँ, यानी आप कुछ भी जुमले जो है वो अपने यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास है एक्टिविटी फेवरेट स्पोर्ट, तो आज आपने फेवरेट स्पोर्ट के बारे में कुछ बातें इंग्लिश में करने की कोशिश करनी है अपनी तरफ से ज़रूर। फेवरेट स्पोर्ट्स की एक्टिविटी के साथ दोबारा हाजिर होंगे। यहाँ पर लेक्चर नंबर 9 आपका ख़त्म होता है। इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी मज़ीद लेक्चर्स में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ पर आप बहुत सारी नई चीज़ें भी सीखेंगे। अभी हम लोग एक नई सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं जिसके अंदर आप यूट्यूब चैनल बनाने से लेकर यूट्यूब पे पैसे कमाने तक की पूरी सीरीज़ को बनाना सीखेंगे, वीडियोस एडिटिंग करना सीखेंगे। तो हमारी उस सीरीज़ को हासिल करने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आप मज़ीद वीडियोज़ भी देख सकें। अस्सलामु अलैकुम।